वेलकम है आपका टॉमबॉय देव ब्लॉग में। आज हम मिल रहे हैं सुबह के नाश्ते के साथ। सुबह के नाश्ता वही, देखिए अब लोग घर में रहते हैं, मस्ती करते हैं, और आप तो जानते ही है ना कि गांव के लोग होते हैं ना, वो रात का बचा हुआ भी खा लेते हैं नाश्ते में। तो हम लोग रात का बचा हुआ भी खा लेते हैं। जब सब्जी अच्छी होती है तो रात का बचा हुआ भी खाने में कोई दिलचस्पी है? अभी देखिए, कोई दिलचस्पी नहीं है नहीं बोला है मैंने, ठीक है? दिलचस्पी है ऐसे बोला है मैंने, तो दिलचस्पी है खाने में, तो मैं वही खा रहा हूँ जो रात को खाने वाला था। तो वही रात को ही जो है बचा हुआ थोड़ा सा मैं वही खा रहा हूँ। खाना भी प्रॉपर हम बनाएंगे, तो अभी तक के लिए हम यही खा लेते हैं और मजे करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। कैसा लगा मेरा मजाक? नहा लिया हूँ, नहा करके एकदम रेडी हो गया हूँ, और अभी बहुत ठंडी लग रही है तो मैं थोड़ा सा धूप में जाने की सोच रहा था, बट अभी ऑफिस का बहुत सारा काम बाकी है तो मैं अभी वही करने बैठा हूँ, क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका हूँ मैं, और लेट नहा करके भी आया हूँ, दोपहर में नहाया हूँ। तो अभी मैं ऑफिस का काम करूँगा, सुबह से भी थोड़ा बहुत ऑफिस का काम करा, थोड़ा बहुत घर का काम करा था, मैंने खाना भी आपको दिखाया था, ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद में मैंने अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि अभी मन भी नहीं है, मैंने लेट ब्रेकफास्ट किया है। तो अभी जस्ट मैं ऑफिस का काम करने बैठ रहा हूँ। अब देख सकते हैं तो गाइज, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ गाइज, और उसके बाद में मैं थोड़ा देखता हूँ खाने पीने का भी, पर अभी तो मैं ऑफिस का काम करूँगा क्योंकि ऑफिस का काम भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उसके बाद में देखते हैं, धूप में भी जाना मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि धूप में जाऊँगा फिर टाइम नहीं रहेगा, तो इसलिए ऑफिस का काम कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। गाइस हम अभी तक काम कर रहे हैं और टाइम हो रहा है 6:06। मैं अभी तक इतना बिजी हूँ काम में, बताइए मैं कैसे टाइम निकालता हूँ। आप भी सोच सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए कितना, मतलब कितना टाइम रहता है मेरे पास, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए कोई टाइम ही नहीं रहता है। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद में उठूँगा, किचन में जाऊँगा और उसके बाद में आपसे बात करता हूँ। आज हमारे बन रहा है मूली की सब्जी, चावल और रोटी और गोभी की सब्जी भी। मूली की सब्जी मेरे लिए बन रही है और चावल में बना रहा हूँ तो उसके लिए, और गोभी की सब्जी उसी के लिए ही। ये नमक डालते हैं, चावल में नमक डालना बहुत अच्छा रहता है, उससे क्या होता है बहुत अच्छी, मतलब खिल जाते हैं थोड़े चावल। पहले हम मूली की सब्जी बनाने से पहले कढ़ी बनाएंगे, अच्छे से उसको करेंगे मिक्सअप।
लिए इसमें मिर्ची कुछ देख सकते हैं गाइस, अब मैंने ये मसाला कुक कर दिया, अच्छे से भूनने के लिए रख दिया है। अभी उसमें टाइम लगने वाला है, तो तब तक हम लोग थोड़ा बैठ जाते हैं, थक गए हैं, काफ़ी देर से खड़े हैं गाइस। गाइस मेरा खाना पीना हो चुका है और मैंने सब काम कर लिया है, खाना भी खा लिया है। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, दोनों सब्जी लाजवाब बनी थी, सो मैंने खाना खा लिया है अभी। और अब मैं सोता हूँ, रात बहुत हो चुकी है, सुबह मिलते हैं हम नए धमाल के साथ, नए जोश के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, आप प्यार नहीं कर रहे ना, मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो रेड वाला बटन है ना उसको दबा दीजिए, घुमा के दबा दीजिए उसको, उसके ऊपर हाथ रखिए, पैर रखिए या चुल्लू भर पानी में उसको डुबो दीजिए, बट दब जाना चाहिए वो।